नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कहा जाता है कि मेरे देश की धरती सोना और हीरे उगलती है, बस जरूरत है तो उचित तरीके से जमीन का उपयोग कर तकनीकी से खेती करना। अगर सही मायने में तकनीकी से खेती की जाए तो देश का हर किसान संपन्न होगा। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक छोटे से गाँव बेजापुर के किसान ने, जिसने पढ़ाई छोड़कर खेती को अपना लाभ का धंधा बनाया, जो अपने लक्ष्य में कामयाब भी हुआ और केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा सम्मानित भी किया गया तथा उन्नत खेती करने के लिए 10,000 रुपए का पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक छोटे से पुरस्कार को पाने के लिए लोगों को जीवन भर तक संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी उस व्यक्ति को पुरस्कार नहीं प्राप्त होता। ऐसा ही एक छोटे से गाँव के किसान ने अपने कम समय में ऊंची उपलब्धि प्राप्त की और अपने गाँव व जिले सहित प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। ऐसा ही ऊर्जावान नवयुवक किसान एक छोटे से गाँव बेजापुर में देखने को मिला। आपको बता दें कि खरगोन के बेजापुर गांव का किसान नाम है मोहन सिसोदिया, जो कि मात्र 12वीं पढ़ने के बाद से ही खेती करने का मन बना चुका था। मोहन ने सबसे पहले तकनीकी खेती करने का मन में ठान ली और वह कृषि वैज्ञानिकों से लगातार मिलता रहा और उचित मार्गदर्शन लेता रहा। साथ ही साथ अपनी खेती में अलग अलग फसलों को बोता रहा, जिससे वह काफी हद तक अपना सपना पूरा करने में कामयाब हो गया। विजय राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के द्वारा उन्नत तकनीकी से फसल का उत्पादन बढ़ाने को लेकर प्रेरित करने वाले 11वें अधिवेशन में खरगोन के बेजापुर का किसान मोहन सिसोदिया को केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 10,000 रुपए से सम्मानित किया। किसान मोहन ने पुरस्कार की राशि सैनिकों के नाम कर दी और खरगोन के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया, तो वहीं किसान मोहन देश के लाखों किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। खरगोन विधायक रवि जोशी व कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुलमी के बेजापुर में हुए कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किसान मोहन सिसोदिया को माला पहनाते हुए शुभकामनाएं व बधाई दी और कहा कि मोहन से हर किसान प्रेरणा ले। लोग पढ़ लिख कर भी जो मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं, वह मुकाम 12वीं तक पढ़े किसान मोहन सिसोदिया ने हासिल अपनी लगन और जज्बे से कर लिया। विधायक ने क्या कुछ कहा किसान मोहन सिसोदिया को लेकर, लीजिए सुनवाते हैं आपको। और किस कारण से आपको पुरस्कृत किया गया था? जैसे कि पुरस्कार मिलने पर हर किसी को जो खुशी होती है, मुझे भी खुशी हुई और मुझे दुगनी खुशी इसलिए हुई कि मेरा छोटा सा गांव बेजापुर, जहां की आबादी बहुत ही कम है, 40-45 घर हैं, उस छोटे से गांव से निकलकर मध्य प्रदेश लेवल पर सम्मानित होना अपने आप में गौरव की बात है। और इसी उस गौरवमय पल के बाद मुझे एक मन में आया कि जैसे मैं अपनी खेती में विविध तरह के नए नए प्रयोग करता रहता हूं और किसान का जीवन सुदृढ़ कैसे बने, अच्छा कैसे बने, किसान के जीवन में खुशहाली कब आए, कैसे आए, उसके लिए मैं प्रयोग करता रहता हूं। और उसी प्रयोग के माध्यम से बीज प्रसंस्करण यूनिट जो मैंने अपने गाँव में लगाई है, जिसके माध्यम से करीब 50 परिवारों को मैंने रोजगार दिया है। यहाँ मैं शब्द उपयोग करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ कि निमाड़ का किसान, मेरे अपने परिवार का किसान भाई मोहन जी को आज बड़ा एक अवार्ड मिला है और ऐसे अवार्ड समय समय पर निमाड़ का किसान को मिलता रहे। मैं चाहता हूँ प्रत्येक गाँव के किसान को इस तरीके के अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि निमाड़ के अंदर बहुत प्रगतिशील किसान है और अच्छे अच्छी किस्में लगा रहा है, अच्छे अच्छे पशुओं का पालन कर रहा है। इसी तरीके से मैं बार बार ये कोशिश करूंगा कि निमाड़ के प्रत्येक गांव के प्रत्येक किसान को इस तरीके का आवाज मिलना चाहिए और निमाड़ का नाम रोशन हो। जो माननीय किसान मोहन सिंह सिसोदिया जी ने बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है, इनका जो कार्य है वो गेहूं के JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।